आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इंस्टेंट रवा इडली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और साथ में एक बहुत ही शानदार चटनी की रेसिपी भी शेयर करूंगी। हेलो एवरीवन, मैं हूँ विजया और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चलिए फिर फटाफट से देखते हैं इस इडली को हमें किस तरह से बनाना है। तो इस इडली को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक पैन लिया है और पैन में बिल्कुल आधा चम्मच के करीब ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल के गर्म होने के बाद इसमें ऐड करेंगे राई, 1 पिंच राई है, 1 पिंच जीरा। राई जैसे ही क्रैकल होनी शुरू होगी उसमें ऐड करेंगे उड़द की दाल आधा चम्मच, आधा चम्मच चने की दाल, और दाल में हल्का सा गोल्डन कलर आने तक इसको रोस्ट कर लेना है। दाल में लाइट गोल्डन कलर आ गया तो अब इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ करी पत्ता, 6 से 7 करी पत्ता लिया है मैंने यहाँ पे। और जैसे ही करी पत्ता ट्रांसपेरेंट हो जाएगा इसमें ऐड कर देंगे रवा, 1.5 कप के करीब मैंने यहाँ पे रवा लिया है। और अब इस रवा को 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे, ज्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट। रवा को भून के 2 मिनट हो गया है, अभी गैस को ऑफ कर देंगे और अब इसे हमें एक बोल में ट्रांसफर कर लेना है। और अब इसको ठंडा करने के बाद मैं बोल में ट्रांसफर कर रही हूँ और अभी इस मिक्सचर में ऐड कर देंगे 3/4 कप दही, क्योंकि यहाँ पे मैंने 1.5 कप रवा लिया है, और इसको मिक्स कर लेना है। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इडली की कंसिस्टेंसी का बैटर बना लेना है। और अब इसको ढक देंगे और ढक के इसको फूलने देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, क्योंकि सूजी को फूलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसको इसी तरह से रेस्ट करने देंगे। और जब तक ये रेस्ट कर रहा है चलिए चटनी बना लेते हैं। यहाँ पे हम एक बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल की चटनी बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पैन लिया है और पैन में ऐड करेंगे 2 चम्मच तिल और उसी के साथ यहाँ पे ऐड करेंगे आधा चम्मच जीरा, और इसको तिल के चटकने तक भून लेना है। और यहाँ पे हमारा तिल जो है वो चटकना शुरू हो गया है, यानी तिल जो है भून गए हैं, तो इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और अभी सेम पैन में ऐड करेंगे बिल्कुल आधा चम्मच ऑयल, और इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच के करीब चने की दाल, और इसको हल्का सा रोस्ट कर लेना है जब तक इसमें गोल्डन कलर नहीं आ जाता। दाल में लाइट गोल्डन कलर आने के बाद इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्च, यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च लिया है और एक तीखी वाली लाल मिर्च लिया है, इनको भी रोस्ट कर लेना है। दाल और लाल मिर्च जो है यहाँ पे भुन गई है, तब इसमें ऐड कर देंगे 3 से 4 कली लहसुन का, और इसी के साथ ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज का रफली चॉप किया हुआ टोमेटो, और उसी के साथ ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, जिससे हमारे टोमेटो जो है जल्दी सॉफ्ट हो जाए और जल्दी गल जाए। और अभी इसमें ढक्कन लगा के टोमेटो के कुक होने तक इसको कुक कर लेना है। और जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं टोमेटो जो है वो ऑलमोस्ट कुक हो गए हैं, तो इसी स्टेज पे इसमें ऐड कर देंगे 1 मुट्ठी के करीब धनिया की पत्ती, धनिया को भी हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। मुश्किल से 1 मिनट के लिए इसको चला लेंगे और ये देखिए धनिया भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया, तब गैस को ऑफ कर देना है। और खटास के लिए मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 इमली का क्यूब, आप यहाँ पे इमली का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, मैंने इसका क्यूब बना के स्टोर किया हुआ है। और अब इसमें जो हमने तिल और जीरा भून के रखा था वो भी ऐड कर देंगे, और मिक्सर को ठंडा करने के बाद इसको ग्राइंड कर लेना है। चलिए फिर मिक्सर को चेक कर लेते हैं, और ये देखिए जब तक चटनी रेडी हो रहा था तब तक ये हमारा रवा भी फूल के तैयार हो गया है, इसमें सारा पानी जो है वो सोख लिया है। तो अब इसमें कुछ चीज़ें और मिला लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ लगभग आधा बोल के करीब स्वीट कॉर्न, ये बॉईल किया हुआ है, उसके साथ ही इसमें आधा बोल मटर ऐड कर रही हूँ, और 1 बोल के करीब यहाँ पे गाजर ऐड कर रही हूँ। साथ में ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लेना है, क्योंकि हमारा रवा यहाँ पे बहुत ही गाढ़ा हो गया है। ये बिल्कुल हेल्दी और डिलीशियस नाश्ता बन के रेडी होता है। आप इसमें अपने मनपसंद के कोई भी वेजीज ऐड कर सकते हैं। अभी थोड़ा पानी और ऐड करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी थोड़ी सी अभी गाढ़ी है, और यहाँ पे देखिए कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। और सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे आधा चम्मच बेकिंग सोडा, और अब इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो बेकिंग सोडा की जगह आप 1 सेशे यहाँ पे इनो का ऐड कर दीजिए। और अभी अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद बैटर को इडली के प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इनको पहले से ही ऑयल से ग्रीस करके और रखा हुआ है। और जब कभी भी आप इडली के प्लेट को प्लेस करते हैं तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए, इस तरह से जो होल वाला पोर्शन है वो इडली के ऊपर रखिए, और ऐसे ही अल्टरनेट आप करते जाइएगा, तो उससे इडली जो है वो अच्छे से स्टीम होती है। और इसी तरह से सारे प्लेट को रेडी करके और स्टीम करेंगे। और चलिए इसको स्टीम कर लेते हैं। स्टीम करने के लिए पानी मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया है। और ढक्कन लगाने के बाद 10 से 12 मिनट के लिए इसको स्टीम कर लेंगे। और ये देखिए यहाँ पे मैंने चटनी को ग्राइंड कर लिया है, चटनी अब हमारी रेडी है, तो इसको किसी भी बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो अभी इसमें ऐड करना है तड़का, तो तड़के के लिए मैंने यहाँ पे ऑयल को गर्म कर लिया है। अब इसमें ऐड कर देंगे राई,
और जैसे ही राइस क्रैकल होनी शुरू हो जाएगी इसमें ऐड कर देंगे करी पत्ता और ये तड़का रेडी हो गया। इसको ऐड कर देंगे अपनी चटनी में। तो यहाँ पे ये शानदार सी चटनी जो है रेडी हो गई है। चलिए फिर इडली को चेक कर लेते हैं। 10 से 12 मिनट हो गया है और ये देखिए हमारी इडली भी बिल्कुल रेडी लग रही है। चेक कर लेते हैं उसे एक बार। चेक करने के लिए इस तरह से नाइफ को इंसर्ट करेंगे। नाइफ जो है वो बिल्कुल साफ है, यानी हमारी इडली जो है वो रेडी हो गई है। तो गैस को ऑफ कर देंगे और अभी इडली को डिमोल्ड करने से पहले इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, तो फिर इडली जो है बहुत ही अच्छे से प्लेट से बाहर निकल जाएगी। और यहाँ पे प्लेट जो है वो ठंडा हो गया, इडलियाँ जो है वो रूम टेम्परेचर पे आ गई हैं। तब इसको डिमोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए ठंडा होने के बाद ये कितनी आसानी से डिमोल्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी इडलियाँ जो है वो बिल्कुल रेडी हैं। तो अभी इसको चटनी के साथ सर्व करेंगे और ये चटनी भी इतनी शानदार बनती है, एक बार जरूर ट्राई करिएगा। और ये यहाँ पे हमारी इडली जो है वो एंजॉय करने के लिए रेडी है। अब मैं आपको एक इडली तोड़ के भी दिखा रही हूँ, कितना सॉफ्ट और फ्लफी इडली जो है वो बन के रेडी हुआ है। ये देखिए तो आप भी एंजॉय करिए इस डिलीशियस सी इडली को चटनी के साथ। और अगर आज की वीडियो और रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।